अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज का हमारा टॉपिक है फोटो फेशियल। अच्छा, फोटो फेशियल जो है वो क्या होता है? जो हमने लास्ट सेशन किया था अपना वीडियो सेशन, उसके अंदर जो है वो हमने आराम से और पूरी डिटेल में डिस्कस किया था फेशियल को। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि फेशियल जो है वो किसे कहते हैं। फेशियल बेसिकली डीप क्लीनिंग ऑफ योर स्किन या डीप क्लींजिंग ऑफ योर स्किन कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं फेशियल। आज हम बात कर रहे हैं फोटो फेशियल पे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फोटो जो होता है, जहाँ पे फोटो का वर्ड आता है उसका मतलब होता है लाइट। तो इसका ये मतलब हुआ कि लाइट इमिटिंग डिवाइस या मशीन के थ्रू फेशियल करना। जैसे लास्ट हमने फेशियल के ऊपर बात की थी, तो मैंने आपको बताया था ये लगाएं, फिर ये वाला स्टेप करें, फिर ये लगाएं, फिर उसके बाद मसाज करें, फिर उसके बाद ये करें या ये करें। वो डिफरेंट तरह के स्टेप्स थे जो आप अपने हाथों से अपनी स्किन के ऊपर कर रहे होते हैं। जब हम फोटो फेशियल का नाम लेते हैं, तो उसके अंदर सारे के सारे जो भी स्टेप्स हैं या जो डीप क्लींजिंग होती है, वो सब कुछ जो है वो लाइट इमिटिंग डिवाइस यानी कि लेज़र के थ्रू होता है। अच्छा, फोटो फेशियल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो IPL यानी कि इंटेंस पल्स लाइट के थ्रू होता है, और एक प्रॉपर लेज़र के थ्रू होता है। इन दोनों में फ़र्क होता है। जो IPL है, जिसको हम इंटेंस पल्स लाइट कहते हैं, वो भी लाइट इमिटिंग डिवाइस होती है, बट वो लेज़र नहीं होती है, वो इंटेंस पल्स लाइट होती है। उसके अंदर डिफरेंट वेव लेंथ्स की लाइट्स जो होती हैं वो एक ही वक्त में निकल रही होती हैं, राइट? लेकिन जो लेज़र होती है, उसके अंदर एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट ही इमिट होती है, और वो सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वो अपने टारगेट में एब्जॉर्ब होती है। जो IPLs होते हैं वो लेज़र्स नहीं होते, वो इंटेंस पल्स लाइट्स होते हैं, और जो लेज़र्स होते हैं दे आर प्रॉपर लाइट इमिटिंग डिवाइसेस, यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट उसमें से निकलती है। अब हम आ जाते हैं कि जो फोटो फेशियल है वो करता क्या है। मैंने आपको ये बताया कि दो डिफरेंट मशीन्स होती हैं जिससे फोटो फेशियल किया जाता है। या तो फोटो फेशियल लेज़र से किया जाता है, और या फिर फोटो फेशियल जो है वो लाइट इमिटिंग डिवाइस यानी कि IPL के थ्रू किया जाता है। IPL जो है वो इंटेंस पल्स लाइट है, लेज़र नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि ये करता क्या है, जो फोटो फेशियल होता है वो हमें क्यों करना चाहिए और ये करता क्या है। आप इसको इस तरह से समझ लें कि जैसे एक क्रीम है या एक गोली है, एक मेडिसिन है, एक टैबलेट है जो कि आपको दी जाती है। लेट सपोज कि आपके बॉडी में पेन हो रहा है। अब आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो हम इनिशियली आपको एक पैनाडोल या एक पैरासिटामोल देते हैं। अब वो पैनाडोल या पैरासिटामोल जो है उसका एक अपना स्पेक्ट्रम है, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकती। एक स्पेक्ट्रम यानी कि एक कैपेबिलिटी है, उससे ज़्यादा वो काम नहीं कर सकती है। उसमें क्या होगा कि अगर आपकी किसी जगह के ऊपर जो है वो इन्फ्लेमेशन चल रही है, यानी कि स्वेलिंग हुई भी है, किसी जगह पे इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो खाली पैरासिटामोल जो है वो आपकी दर्द नहीं रोक पाएगी। क्यों नहीं रोक पाएगी? क्योंकि ना तो वो आपकी इन्फ्लेमेशन यानी कि स्वेलिंग को कम कर पा रही है, उसके लिए वो दवाई है ही नहीं है, उसके लिए आपको सेपरेट दवाई चाहिए। उसी तरह से ना ही वो आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये पैनाडोल की कैपेबिलिटी से बाहर है। उसी तरह से जब आप हाथ से चीज़ें लगा के ऊपर से फेशियल करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट होता है या उसकी जो डेप्थ होती है वो फ़र्क होती है। जब यही फेशियल आप या यही ट्रीटमेंट आप लेज़र के थ्रू या इक्विपमेंट मशीन के थ्रू करेंगे, जैसे IPL या लेज़र, तो उसका जो स्पेक्ट्रम होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा, उसकी डेप्थ ही फ़र्क हो जाएगी, राइट? इन दोनों में ये फ़र्क है कि अगर आप हाथ से फेशियल कर रहे हैं या ऊपर से चीज़ें लगा के फेशियल कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो मशीन के थ्रू कर रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क होगा। और वो फ़र्क ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी और उसकी डेप्थ फ़र्क होती है, और इसी वजह से उसका जो रिजल्ट होता है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, और जो उसका रेपिटेशन का टाइम होगा कि कितनी दफ़ा रिपीट करना है और कितने गैप से रिपीट करना चाहिए, वो भी डिफरेंट हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं कि बेसिकली फोटो फेशियल का पर्पस क्या होता है। फोटो फेशियल के डिफरेंट पर्पसेस होते हैं जो कि एक ही चीज़ के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। यानी कि एक फोटो फेशियल के थ्रू हम क्या-क्या कर सकते हैं, हम जितना सन डैमेज है स्किन के ऊपर उसको कवर कर सकते हैं, हम रिजुविनेशन कर सकते हैं, रिजुविनेशन यानी कि स्किन को यंगर सपल लुकिंग स्किन का लुक देना। उसके अलावा जो है वो आपकी अनइवन टोन, जैसे कहीं से स्किन का कोई कलर है, कहीं से कोई कलर है, अनइवन टोन
के लिए कर सकते हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल हुआ हुआ है उसके लिए भी इसको किया जाएगा, ये उसको भी केटर करेगा। इसके अलावा अगर आपको सन टैन हुआ हुआ है तो ये उसको भी केटर करेगा। आपके एनलार्ज्ड पोर्स हैं या पोर्स प्रोमिनेंट होते हैं ये उसको भी कवर करेगा। उसके साथ साथ जो है इसके अंदर एक और चीज़ कि ये बूस्ट करता है कॉलेजन इलास्टिन को, यानी कि कॉलेजन इलास्टिन को बनाना शुरू करता है, एक धक्का देता है स्किन को कि तुम कॉलेजन इलास्टिन बनाना शुरू करो। तो इन सब चीज़ों को जब हम करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से आपको फाइन लाइन्स जो हैं वो भी कम लगेंगी, अगर किसी की फाइन लाइन्स हैं। अगर किसी के एनलार्ज्ड पोर्स हैं तो पोर साइज जो है वो कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर अनइवन टोन था कि डिफरेंट तरह के टोन्स आ रहे हैं एक ही स्किन के ऊपर, वो इसमें कवर हो जाएगा। अगर सन स्पॉट्स थे तो वो लाइटन अप हो जाएंगे। उसके अलावा क्योंकि कॉलेजन इलास्टिन बनना शुरू होगी तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन आपको पहले से हेल्दी और पहले से टाइट लगेगी, ठीक है, ये सब कुछ होगा। इसके साथ साथ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो स्किन होती है उसके ऊपर फ्लशिंग होती है, यानी कि लोग कहते हैं कि मुझे ज़रा से टेम्परेचर चेंज से जो है वो मेरे जो चीक्स हैं वो रेड हो जाते हैं, या मेरी स्किन का मुझे लगता है, मेरे फेस की स्किन का लगता है कि टेम्परेचर रेज हो गया है और मुझे बर्निंग सी सेंसेशन होती है, और कुछ लोगों को इसमें ख़ारिश भी होती है। ये उसको भी टैकल करता है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट तरह की चीज़ें जिनका मैंने नाम लिया है ये सब कुछ हम जो है वो फोटो फेशियल के थ्रू कर सकते हैं। अब आ जाता है कि थोड़ा सा फर्क होता है कि अगर आप फोटो फेशियल जो है वो लेज़र के थ्रू करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ कवर होगी, और अगर आप IPL के थ्रू करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ कवर होगी। अगर हम IPL के थ्रू करते हैं तो उसमें आपकी रिजुविनेशन, आपकी कॉलेजन प्रोडक्शन, आपका पोर साइज जो है वो, आपके सन डैमेज, आपका सन डैमेज, उसके अलावा अगर आपके सन स्पॉट्स हैं वो, अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस या फ्लशिंग होती है उसको भी ये कवर करता है। उसके अलावा जब ऑब्वियसली ये सब कुछ होगा तो कॉलेजन इलास्टिन भी बूस्ट होगी, और उसके साथ साथ जो है वो आपको फाइन लाइंस भी पहले से बेहतर लगती हैं, ठीक है। ये तो हो गया अगर हम IPL के थ्रू करते हैं। अब हम आ जाते हैं अगर हम लेज़र के थ्रू करते हैं तो वो क्या क्या करेगा। लेज़र के थ्रू जब हम करेंगे तो IPL से ज़्यादा इसका रिजल्ट होगा, और IPL से कंपैरेटिवली ज़्यादा इसकी डेप्थ होगी। IPL से कम सेशंस करने पड़ेंगे अगर हम इसको एज ए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो डाउन टाइम है वो इसका कम होगा और रिजल्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें हम क्या क्या करेंगे अगर हम लेज़र के थ्रू फोटो फेशियल करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। उसमें आपकी आपका डल कॉम्प्लेक्शन, जैसे आपको लगता है कि आपका कलर जो है वो आपको डल लग रहा है, वो आपकी अनइवन टोन, उसके अलावा आपका जो है वो अगर सन क्या कहते हैं सन टैन हुआ हुआ है, अगर सन टैन हुआ हुआ है ये उसको भी कवर करेगा। आपके ओपन पोर्स को करेगा, आपके फाइन लाइंस को करेगा, आपकी स्किन के अंदर कॉलेजन इलास्टिन को बूस्ट करेगा। इसके साथ साथ जो है अगर आपकी स्किन में फ्लशिंग होती है तो ये उसको भी कवर करता है, बट IPL जो है वो जो स्किन में फ्लशिंग होती है उसको ज़्यादा अच्छा कवर करता है। IPL जो है वो फ्लशिंग को, रेडनेस को ज़्यादा अच्छा कवर करता है, ये भी करता है, बट ये एज है या ये डिफरेंस है कि IPL ज़्यादा अच्छा कवर करेगा रेडनेस को, फ्लशिंग को, और ये उससे थोड़ा सा कम करेगा। इसके अलावा क्या होता है कि ये क्योंकि रिजुविनेशन करती है स्किन की, तो आपको स्किन जो है वो पहले से टाइट फील होगी, आपका कॉम्प्लेक्शन आपको बेहतर फील होगा, स्किन पहले से सपल आपको फील होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ जब आप लेज़र से फेशियल करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा जो एज है वो क्या होता है कि वो आपका जो पीच फज है, जो आपके फेस के ऊपर फाइन हेयर है या ब्लैक कलर का हेयर है, ये उसको भी कवर कर देता है। ये फाइन हेयर को ब्लीच कर देगा, जो आपका मोटा ब्लैक कलर का बाल होता है उसको थोड़ा सा पतला कर देगा, ब्लीच तो ये सारे ही बालों को कर देता है। तो ये जो है ये डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं कि अगर हम फेशियल लेज़र के थ्रू करें तो क्या-क्या होगा, और अगर हम IPL के थ्रू करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम फोटो फेशियल को एज ए ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको मल्टीपल सेशंस रिक्वायर होते हैं, उसमें सिंगल सेशन में आपका सब कुछ ट्रीट नहीं हो जाएगा, बेहतर तो ज़रूर होगा बट ट्रीट नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम फोटो फेशियल कर रहे हैं लेज़र के थ्रू तो हमें कैसे सेशन करना है। अगर हम लेज़र के थ्रू करते हैं तो हमें ट्रीटमेंट करने के लिए
एनीथिंग बिटवीन 3 to 6 सेशंस, यानी कि 3 से 6 सेशंस तक हमें सेशंस करने पड़ सकते हैं. देखें, ये वेरिएबल है, स्किन टू स्किन वेरी करता है, स्किन के ऊपर डैमेज कितना हुआ हुआ है उसके ऊपर वेरी करता है, स्किन की एज क्या है, यानी कि यंग यंग स्किन है या फिर जो है वो मैच्योर एजड स्किन है, इसके ऊपर भी वेरी करता है. नेवरदलेस, जो सेंसिटिविटी है या ऑयली स्किन है या फिर आपकी ड्राई स्किन है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्किन की एज से, मेच्योरिटी से फ़र्क पड़ता है. कि मेच्योर स्किन है तो आपको ट्रीटमेंट नंबर या सेशन जो है वो ज़्यादा करना पड़ जाएगा, और अगर जो है वो आपकी स्किन जो है वो यंग स्किन है तो उसके अंदर आपको कम सेशंस रिक्वायर्ड होंगे. जो सेशंस के दरमियान में गैप है वो कितना होना चाहिए? सेशंस के दरमियान में गैप जो है वो एनीथिंग बिटवीन 3 weeks to 4 weeks रखा जाता है, जब हम इसको एज ए ट्रीटमेंट यूज करते हैं. अब आ जाता है, अगर हम IPL से कर रहे हों तो फिर क्या होगा? IPL से भी करें तो हमने यही देखना है कि स्किन में डैमेज कितना है और जो स्किन की एज है वो क्या है. अगर स्किन की एज जो है वो मेच्योर है या एजड स्किन है तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ सेशन होगा वो डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और अगर जो है वो आपकी स्किन यंग है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेशन कम होगा. अच्छा, IPL की जो सेशंस हैं उसके दरमियान में भी जो हमने गैप रखना है वो एनीथिंग बिटवीन 3 to 4 weeks, यानी कि 3 हफ्तों से 4 हफ्ते का गैप रखा जाता है, ठीक है. और सेशंस मैंने आपको बता दिया कि मतलब 3 से 6 सेशंस जो हैं वो स्किप भी किए जा सकते हैं, ज़्यादा भी किए जा सकते हैं, बट यूजुअली इन सेशंस में जितना नंबर मैं आपको बता रही हूँ, मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6, इसके अंदर हमारा जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो स्किन के ऊपर अचीव हो चुका हुआ होता है. अब हमारी मर्जी है, उसके बाद हमने मेंटेनेंस पे आना है. जो मेंटेनेंस होती है IPL से, जो मेंटेनेंस है IPL से जब हम पोर्टोफेशियल करेंगे उससे भी जो है वो 3 से 4 महीने, अगर आपकी स्किन जो है वो यंग स्किन है या ओवर मेच्योर या एजड स्किन नहीं है. और अगर एजड या मेच्योर स्किन है तो फिर थोड़ा सा जल्दी, फिर हम कहते हैं आप 2.5 to 3 months के ऊपर इसको रिपीट करा लें. उसी तरह से अगर हम फोटोफेशियल को देखें तो जो एजड लोग हैं, जो एजड स्किन मेच्योर स्किन होती है, उनके लिए हम कहते हैं कि आप कोशिश करें कि 2.5 से 3 महीने में, यानी कि 2.5 to 3 months में ज़रूर आ जाएं. और जिनकी स्किन जो है वो यंग स्किन है उनको हम कहते हैं कि आप 3 to 4 months पे भी आ सकते हैं. एक चीज़ ज़रूर होती है, बिकॉज अगर हम लेज़र के थ्रू फोटोफेशियल कर रहे हैं और उसके अंदर आपका जो पीच फज है या जो आपके फाइन हेयर है वो भी आपके ब्लीच हो रहे हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि जब ब्लीच जो है वो उसकी ख़त्म होती है या होना शुरू होती है तो पेशेंट को लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए. तो आप डेफिनेटली हमारे पास आ सकते हैं, आप हमें अपनी स्किन दिखा सकते हैं और हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या आपको फोटोफेशियल का नेक्स्ट सेशन जो है वो ले लेना चाहिए. बट यूजुअली जब हम इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं तो हम इसको 3 to 4 weeks के गैप के ऊपर रिपीट करते हैं. समटाइम्स ये भी होता है कि स्किन ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है तो हम इसको एवरी 15 days पे भी रिपीट कर सकते हैं. IPL से नहीं, जो लेज़र से करते हैं फेशियल उसको हम जल्दी भी रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज लेज़र जो है वो एक सिंगल वेवलेंथ होती है और वो सेफ होती है कि उसको आप इतने टाइम के बाद रिपीट कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कि इसका तरीका क्या होता है. इसका तरीका ये होता है कि जब पेशेंट आता है हमारे पास, हमने उसकी स्किन को असेस कर लिया. अब ये पूछना पेशेंट से बहुत ज़रूरी है, और आप भी ध्यान रखिए इस बात का, कि अगर आपने रिसेंटली कोई सैलून से फेशियल करवाया है, सैलून से ब्लीच करवाया है या ख़ुद ब्लीच किया है, या आपने कोई स्किन पॉलिशिंग करवाई है सैलून से, या फिर आपने वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराई है, या आप जो घर में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें कोई ग्लाइकोलिक एसिड की चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई ग्लाइकोलिक एसिड की क्रीम, या फिर कोई एक्सफोलिएशन के लिए उसका एक्सफोलिएटर यूज़ कर रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप रेटिनॉल या रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं. अगर ऐसा कुछ है तो आपने, वैसे तो डॉक्टर ज़रूर पूछता है जब पेशेंट आता है, लेकिन आपने ख़ुद भी इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी जो रेगुलर रूटीन की सारी चीज़ें हैं वो डेफिनेटली डॉक्टर को बताएं. और अगर आपने अपनी स्किन के ऊपर सैलून से कुछ कराया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई फेशियल कराया हुआ है, या आपने कोई स्किन पॉलिशिंग कराई है, कोई ब्लीच कराया है, या फिर आपने जो है वो कोई वैक्सिंग या थ्रेडिंग कराई है फेस की, आपने ज़रूर बताना है ताकि डॉक्टर को ये पता हो कि इस वक्त आपने ये ट्रीटमेंट कराना है या आपको कुछ गैप के बाद बुलाना पड़ेगा, ठीक है.
ये इसके लिए प्री रेक्विजिट है कि हमें ज़रूर पता हो, आपके डॉक्टर को पता हो कि आपकी रूटीन में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हैं या आपने सैलून से कुछ करवाया है रिसेंटली, ठीक है। जब आईपीएल के लिए रीअसेस कर जब आईपीएल के लिए असेस करना है तब भी हमने यही पॉइंट्स जो हैं वो देखने होते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं कि हमने फोटो फेशियल करना है तो उसका तरीका क्या होगा। पहले तो स्किन की असेसमेंट हो गई कि स्किन जो है वो कैसी है, उसके ऊपर क्या क्या अप्लाई कर रहे हैं आप अपनी डेली रूटीन में, ये सब कुछ अब असेस हो जाएगा। तो फिर जो है वो हमने स्किन को, सबसे पहले स्किन को साफ करते हैं। साफ कराने के बाद स्किन को जो है वो हल्का सा हम थोड़ा सा आइसिंग से ठंडा कर देते हैं। उसके बाद जो है वो इसके ऊपर फोटो फेशियल किया जाता है। जब आईपीएल से करते हैं तो उसके अंदर जेल लगाई जाती है और फिर उसके ऊपर मशीन इस्तेमाल करते हैं। जब आईपीएल से नहीं करना और लेज़र से करना है तो उसके अंदर जेल यूज़ नहीं होती है, क्योंकि जो लेज़र्स इसके लिए यूज़ करते हैं फोटो फेशियल के लिए वो ज़्यादातर जो है वो क्यू स्विच्ड लेज़र्स यूज़ होते हैं और उसके अंदर आपको जेल की ज़रूरत नहीं होती है। वो जेल के बगैर आपकी डायरेक्ट स्किन के ऊपर, आपकी बेयर स्किन के ऊपर किया जाता है। उसके बाद हमने ये कर दिया। इसको करने के बाद हम डिफरेंट ऑप्शंस या डिफरेंट डॉक्टर्स जो हैं उनका अपना अपना तरीका होता है। जिस वक्त आईपीएल किया जाता है तो उसके बाद जो है वो यूजुअली हम रेड लाइट दे सकते हैं। ये स्किन के डैमेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका डॉक्टर ही जज कर सकता है कि आपको इसके साथ क्या देना है जो कि आपकी स्किन की रिपेयर को बूस्ट करा दे जल्दी और तेज़ी से, आपकी स्किन को स्टेबल करते। क्योंकि जब हम स्किन के ऊपर कोई काम करते हैं तो उसके बाद उसको हीलिंग में टाइम लगता है और उसको स्टेबल होने में भी टाइम लगता है, तो वो हमने ज़रूर देखना होता है। क्या आपको उसके बाद रेड लाइट भी देने की ज़रूरत है, ये चेक कर लिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, सिर्फ आपको सूदिंग क्रीम लगा के और सन ब्लॉक लगा के भेज दिया जाए। उसी तरह से जब हम लेज़र से करते हैं तो अब हमारे पास, जब हम लेज़र से फोटो फेशियल कर देते हैं तो हमारे पास जो स्किन होती है वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हुई भी होती है। तो जो मेरा तरीका है, मैं क्या करती हूँ कि मैं ये देखती हूँ कि अगर स्किन ज़्यादा मेच्योर है या ढलकी हुई है तो मैंने क्या करना है, मैं उसको टाइटनिंग वाला सीरम इन्फ्यूज़ कर देती हूँ। अगर मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्किन जो है वो डल हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो सन टैन था, तो मैं उसके अंदर जो ब्राइटनिंग वाला सीरम है वो इन्फ्यूज़ कर देती हूँ। उसी तरह से आप वाइटामिन सी का सीरम भी इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फिर क्या करना है, अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मैं उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी इन्फ्यूज़ कर देती हूँ। समटाइम्स मैं कॉलेजन एलास्टिक का सीरम भी इन्फ्यूज़ कर देती हूँ, क्योंकि स्किन जो है उसके अंदर पोर्टल ऑफ एंट्रीज बने हुए होते हैं। जब हम फोटो फेशियल करते हैं और आपकी स्किन जो है वो बहुत तेज़ी से चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हुई भी होती है, तो जब आप इसके ऊपर ये इसके साथ इन्फ्यूज़ करते हैं, इन्फ्यूज़न जो होती है वो भी हम थ्रू मशीन ही देते हैं। जब हम इन्फ्यूज़न करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से उन सीरम्स को एब्जॉर्ब करती है, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है, और बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो गई है। तो ये हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ या जो मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ मैं पूरे ध्यान से करूँ, पूरे इंटरेस्ट से करूँ, और मैं जो कुछ मैक्सिमम उसको एक सेशन में दे सकती हूँ मैं उसको ज़रूर दूँ, ठीक है। जब हम ये कर देते हैं तो करने के बाद आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होते हैं। हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप अपनी जो कोई नाइट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे किसी भी पर्पज़ के लिए, एंटी एजिंग था या फिर आपका पर्पज़ जो है वो वाइटनिंग था, आप आज जो है यानी कि 2 नाइट्स के लिए उसको यूज़ ना करें। 2 नाइट्स के लिए आप अपनी नाइट एप्लीकेशन यूज़ ना करें। यूजुअली जो डे एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें आपके फेस वॉशेज होते हैं, आपके मॉइस्चराइजर्स होते हैं, आपके सन ब्लॉक्स होते हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम आपसे क्योंकि पूछ चुके हुए होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपको बता देते हैं। और एक चीज़ हम कहते हैं कि आपने फोटो फेशियल कराया है तो प्लीज़ आज जाके जो है वो आप अफ्तार ही ना बनाना शुरू कर देना या कुकिंग ना शुरू कर दें कि आपने कोई 5-6 रोटियां पका ली हैं या फिर आपने खड़े होकर सालन बनाना शुरू कर दिया है या आपने फ्राइंग शुरू कर दी है। मतलब हम कहते हैं डायरेक्ट हीट से आप दूर रहें। अगर सर्दियां होती हैं तो आपने हीटर जो है उसको अवॉइड करना होता है या हीटिंग टूल्स को अवॉइड करना होता है, और किचन की जो हीट होती है जो चूल्हे में से आ रही होती है
वह खाना बनाते हुए उसको भी आप अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। पर हम ये भी कहते हैं कि ऐसा ना हो कि अभी आप निकले हैं हमसे फोटो फेशियल करा के और आप जिम चले गए हैं, या फिर आप गोल्फ खेलने चले गए हैं, और या फिर जो है वो आप क्या कहते हैं वॉक पे चले गए हैं, तो हम मना करते हैं कि आप इस किस्म का कोई विग्रेस काम ना करें जिसके अंदर आपकी स्किन का रिएक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू ब्लड सप्लाई, यानी कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बेहतर हो जाती है जब भी आप कोई एक्सरसाइज या ऐसी चीज़ करते हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन रिएक्टिव हो सकती है, तो उसको हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। ज़्यादातर 2 से 3 दिन के लिए जो है वो माइल्ड स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक के कॉम्बिनेशन की क्रीम्स जो होती हैं वो पेशेंट को लगाने के लिए दी जाती हैं, और उसके साथ पेशेंट को बता देते हैं कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आपने क्या करना है और क्या कर सकते हैं और क्या आपने नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कि इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं ऐसी मतलब इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हम तो अभी फेस की बात कर रहे थे, लेकिन जो फोटो फेशियल्स होते हैं वो आपकी नेक पे भी हो सकते हैं, आपकी नेक की जो ये लोअर एरिया होता है जिसको हम डिकॉल्टे बोलते हैं उसमें भी हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो आपके हाथों के ऊपर भी फोटो फेशियल किया जा सकता है। जहाँ जहाँ हमें रिजुवेनेशन की ज़रूरत होती है या पड़ सकती है वहाँ वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी।